और एट गाइज, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग लॉगिन सिस्टम को अपने रिवैम कर सकते हैं यूनिक कंस्टेंट ऐड करके यूज़र नेम पर। हमने यूज़र नेम पर यूनिक कंस्टेंट ऐड किया था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यूज़र नेम यूनिक रहे, कोई भी सेम यूज़र नेम से दो अकाउंट ना बना पाए, ये चीज़ हमने इंश्योर करी थी। और आज हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको और अच्छा किया जा सकता है। अब अगर कोई बंदा लॉगिन करता है, जैसे मैंने लॉगिन किया है, पर वेलकम हैरी लिख कर आ रहा है, मैं चाहता हूँ वेलकम हैरी लिख कर आए, उसी के साथ साथ एक मुझे लॉगआउट का भी ऑप्शन मिले। तो अगर मैं इस चीज़ को और अच्छे से करना चाहूँ तो getbootstrap.com पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, फिर मैं कंपोनेंट्स पे जाऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो नीचे सिंपल डार्क अलर्ट ये सब चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि क्या चीज़ मुझे यूज़ करनी चाहिए। अगर मैं ये वाला अलर्ट यूज़ कर लूँ, कॉपी कर लूँ इस चीज़ को और अपने वेलकम डॉट पी एच पी के अंदर मैंने टाइटल तो ये डाल दिया है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा डिव डॉट कंटेनर। अब ये बूटस्ट्रैप लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, आप ये मत सोचना है क्या लिख दिया मैंने, और मैंने बस बूटस्ट्रैप लिखी है। बूटस्ट्रैप क्या है, बस सिंपल एक तरीका है आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ इसको ब्यूटीफुल दिखाने का, ठीक है? तो इसको थोड़ा और खूबसूरत करके आपको दिखाना है तो ये थोड़ा खूबसूरत दिखता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो अगर मैं ये वेलकम स्क्रिप्ट को रिलोड करूँ, देखो वेल डन लिख कर आ गया यहाँ पर, मैं वेल डन की जगह पर क्या करूँगा ये लिख दूँगा वेलकम जो यूज़र का नाम है वो, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँगा। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा हे हाउ आर यू डूइंग, एक मिनट, हे हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू, मान लो ये वेलकम टू आई सिक्योर, यू आर लॉग्ड इन एज, यू आर लॉग्ड इन एज, जो भी नाम है वो मैं रख दूंगा यहाँ पर, जो भी मेरा यूज़र नेम है वो। और उसके बाद मैं लिख दूंगा यू कैन लॉग आउट, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेन एवर यू नीड टू बी श्योर टू लॉग आउट यूजिंग दिस लिंक, ठीक है? और ये जो दिस लिंक है इसमें मैं क्या करूँगा, एक एच रेफ लगा दूंगा, तो मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लगाऊंगा और यहाँ पर एच रेफ इज इक्वल टू लगा दूंगा लॉग आउट डॉट पी एच पी। इनफैक्ट मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्लैश और लॉग इन सिस्टम स्लैश लॉग आउट डॉट पी एच पी, ठीक है? सो कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कंट्रोल वी। अब देखते हैं यहाँ पर लॉग आउट डॉट पी एच पी है वो काम कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है लिंक ही नहीं। तो देखो वेलकम हैरी और यहाँ पर हे हाउ आर यू डूइंग ये सब चीज़ें आ रही हैं। अगर ऊपर से आपको स्पेसिंग देनी है इसमें तो मैं आपको बता दूँ, इस पर MY4 लगा दो या 3 लगा दो, और ऐसा करोगे यहाँ पर तो ऊपर से थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। और यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा अभी मैं, तो देखो यहाँ पर स्पेस आ गई। तो ये था बूटस्ट्रैप स्पेसिफिक स्टफ था जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसका ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी इसमें ध्यान मत देना, ठीक है? यूजिंग दिस लिंक किया तो देखो लॉगआउट डॉट पी एच पी खुला, लेकिन मैं चाहता हूँ लॉगआउट डॉट पी एच पी खुले जैसी वैसे ही ये मुझे रीडायरेक्ट करे। कहाँ पर रीडायरेक्ट करे, ये मुझे रीडायरेक्ट करे, मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देता हूँ, ये रीडायरेक्ट करे मुझे लॉगिन में कि भाई लॉगिन कर लो, अभी आप लॉग आउट हो चुके हो। तो मैं क्या करूँगा अभी लॉगआउट डॉट पी एच पी में मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँगा सिंपल सी, मैं सिंपल सा सवाल पूछूँगा एक लॉगआउट से, मैं कहूँगा देखो भाई लॉग आउट, मैं कहूँगा देखो अगर इफ, सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद बात होगी, ठीक है? सबसे पहले सेशन स्टार्ट करेंगे। अब मैं कहूँगा कि अगर, मैं कहूँगा इफ, मैंने यहाँ पर लगता है ये चीज़ जो है इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखा, आपको बता दिया है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लॉगआउट कैसे करते हैं, और मैंने वो आप लोगों को बताया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेशन वाले वीडियो में। बट अगेन मैं फिर से इस चीज़ को करूँगा, मैं कहूँगा अगर नॉट ऑफ इज सेट, अगर सेट नहीं है डॉलर अंडरस्कोर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन क्या यूज़र नेम, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ जब मैं लॉग इन करा रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें सेट कर रहा हूँ सेशन में, ये देखता हूँ लॉग्ड इन सेट कर रहा हूँ एक तो, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉग्ड इन इज नॉट सेट, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये ट्रू ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये ट्रू ना हो, फॉल्स हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको मैं कहूँगा या फिर इसको किसी ने फॉल्स कर दिया है, फिर नॉट ट्रू कर दिया, नॉट इक्वल्स टू ट्रू, तब क्या होगा? तब मैं कहूँगा भाई देखो ऐसा है, आप लॉग आउट हो जाओ लोकेशन कोलन,
और आप चले जाओ लॉग इन डॉट पी एच पी पर, क्योंकि आप एक बिन बुलाए बराती हो। बिन बुलाए बराती कौन होते हैं? जो कि ऐसे ही घुस आते हैं। तो कोई वेलकम डॉट पी एच पी में ऐसा ही घुस आया तो उसको क्या होगा, लॉग आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और या वेलकम डॉट पी एच पी में भी मैं ये चीज़ लिखूंगा ऊपर कि कोई भी घुसन आ जाए वेलकम डॉट पी एच पी में, लेकिन अभी यहाँ पर लॉग आउट कर रहा हूँ। ये इज्जत से वैसे एग्जिट है एक तरह से, लॉग आउट पे कोई क्लिक करेगा तो वो वापस चला जाएगा लॉग इन में, और ये करके मैं एग्जिट कर दूंगा, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। और मैं सिर्फ ऐसे कर दूंगा इसको, ये करके मैं सामी कॉलन लगा दूंगा। सेव किया मैंने, अब देखता हूँ अगर मैं लॉग आउट करूँ। ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है काम, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है काम। व्यू पेज सोर्स, इसको रिलोड किया। लोकेशन लॉग इन डॉट पी एच पी इफ नॉट ऑफ इज सेट लॉग्ड इन और सेशन लॉग्ड इन इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ये वरना। तो अगर कोई भी बंदा लॉग्ड इन नहीं है तो उसको हम लॉग इन पेज पर ले जाएंगे, ठीक है। और वरना हम क्या करेंगे, वरना हम सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे और हम लोग कहेंगे कि भाई सेशन को कर दो डिस्ट्रॉय। इनफैक्ट हम सेशन को हर केस में डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये जो इफ एल्स मैंने लगाया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वेलकम डॉट पी एच पी में लेकर जाएंगे। तो मैं आपको इसको बताता हूँ वेलकम डॉट पी एच पी में आप लोग कैसे ले जा सकते हो। कॉपी करो और टॉप पर रख दो इसको वेलकम डॉट पी एच पी के। और आई थिंक हमने वेलकम डॉट पी एच पी के स्टार्टिंग में ये काम ऑलरेडी किया है, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है। मैंने ये काम ऑलरेडी किया था, मैं भूल गया था टू बी ऑनेस्ट। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और लिख दिया। मैं इसको हटा देता हूँ वापस से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेशन अंडरस्कोर अनसेट होता है एक, और सेशन अंडरस्कोर अनसेट की अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पर लेके जाऊँ, पी एच पी मैनुअल सेशन अनसेट, ये देखो सेशन अनसेट क्या करता है। पी एच पी मैनुअल में अगर आप जाओ, डू नॉट अनसेट द होल सेशन, एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने बताया होगा, फंक्शन फ्रीज ऑल द सेशन वेरिएबल्स करंटली रजिस्टर्ड, दैट्स इट, ठीक है। रिटर्न्स ट्रू ऑन सक्सेस, फॉल्स ऑन फेलियर। तो मैंने क्या किया, इसको अनसेट किया। अब मैं सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं कहूँगा कि भाई लोकेशन लॉग इन डॉट पी एच पी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि भाई सब कुछ डिस्ट्रॉय करके आप जाओ लॉग इन डॉट पी एच पी में, और एग्जिट, मैं स्क्रिप्ट को एग्जिट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। चलो जी बढ़िया, इसको रिलोड किया, देखो मैं लॉग इन डॉट पी एच पी में आ गया। अब अगर मैं वेलकम वाले पेज में आने की कोशिश करूँगा, देखो मैं होम पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, होम जो है वो वेलकम डॉट पी एच पी पर लेकर जा रहा है, लेकिन मुझे वापस से यहाँ पटक दिया जा रहा है। लॉगिन करता हूँ अगर मैं, तो देखो वेलकम एरिया आ रहा है, और यहाँ पर देखो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसी पेज पर रह रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने एक बार लॉग आउट कर दिया तो यहाँ पर देखो मैं लॉगिन पेज पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है एक लॉगिन सिस्टम बना सकते हो, और हमारा लॉगिन सिस्टम भी बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। होम पेज पर मैं आ रहा हूँ तो ये कह रहा है लॉगिन करो पहले वेबसाइट में, फिर आपको एंट्री मिलेगी। लॉगिन किया मैंने, तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया। अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत लॉगआउट करके डाल दिया पासवर्ड अपना, तो ये बोलेगा कि भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इस तरह से आप लोग एक लॉगिन सिस्टम पीएचपी में जो है बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, और वो क्या है कि अगर आप लॉग्ड इन हैं, अगर आप लोग लॉग्ड इन हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लॉग इन में हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लॉग इन हूँ तो मैं लॉग इन और साइन अप ना देखूँ, मैं सिर्फ लॉग आउट देखूँ। और अगर मैं लॉग इन नहीं हूँ तो लॉग आउट का कोई मतलब नहीं बनता, तो लॉग आउट नहीं दिखाना चाहिए। तो चलो आ जाओ नैव बार में चलते हैं, और नैव बार में चलकर इन चीज़ों को फिक्स करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई अगर आपका सेशन जो है वो सेट है और आप लॉग्ड इन है, तो मैं काम करूँगा यहाँ पर, एक काम करता हूँ, ये जो पी एच पी फाइल मैंने बनाई है नैव बार डॉट पी एच पी, मैं सबसे पहले तो मैंने इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, और मैंने यहाँ पर इस तरह से एको लिखना चाहिए था और सिंगल कोट देना चाहिए था, और यहाँ पर ऐसे बंद करके सेमी कोलन लगाना चाहिए था। और मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो आप लोग देखो, इसको मैं रिलोड करूँगा तो सब कुछ सही सही चल रहा है, लॉगिन भी हो रहा हूँ, सब कुछ एकदम सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई सेशन को करो स्टार्ट, सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कहाँ पर है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ इज दैट, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से वेलकम डॉट पी एच पी से, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, मैं कहूँगा इफ़ इज सेट सेशन लॉग्ड इन, और उसी के साथ साथ सेशन लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर आप लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तभी मैं दिखाऊंगा लॉग आउट, वरना मैं लॉग आउट नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, इसको टुकड़ों में बांट देता हूँ। ये लॉग इन साइन अप जो है, ये वाला एल आई कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ, उसको टुकड़ों में बांट रहा हूँ। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इनको टुकड़ों में बांट दिया इन स्ट्रिंग्स को देखो, और मैंने इसको सिर्फ इतना एको किया, और ये एको मैं सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, ये एको मैं सेपरेट कर दूंगा, और ये एको भी मैं सेपरेट कर दूंगा। सेव किया मैंने, सेमी कोलन भी लगा लूँगा मैं, और ये वाले जो एको है मैं तब दिखाऊंगा जब मैं लॉग्ड इन हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ लॉग्ड इन, तभी मैं अगर लॉग्ड इन हूँ तभी मैं दिखाऊंगा लॉग आउट। ठीक है, तो लॉग आउट मैं तभी दिखाऊंगा जब मैं लॉग्ड इन हूँ। तो लॉग इन साइन अप लॉग आउट और ये सर्च ओके, तो मुझे यहाँ पर इसको टुकड़ों में कुछ इस तरह से तोड़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ओके सो अगर लॉग्ड इन हूँ मैं तभी लॉग आउट दिखाऊंगा, वरना मैं लॉग आउट नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। एको सिंगल कोट, मैं कह रहा हूँ अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तभी ये दिखाओ, और ये वाला जो है ये लॉग इन और साइन अप दिखाओ इफ़ नॉट लॉग्ड इन, अगर इफ नॉट लॉग्ड इन तब क्या करो, तब ये दिखाओ। ठीक है, और लॉग इन हो तो ये दिखाओ, और बाकी सारी चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेव करो इसको, रिलोड करो, और यहाँ पर देखो सेशन स्टार्ट, सेशन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इग्नोरिंग ऑनलाइन टू। ओके, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि आपका जो सेशन है वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है सेशन, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ nav.php को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है सेशन स्टार्ट कर दिया। मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेशन स्टार्ट कर दिया इन सारे पेजेस में, और अगर मैं वापस से इसको स्टार्ट करूँगा सेशन को तब क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं रिलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा है 17 यूज़ ऑफ अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट लॉग्ड इन, देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, डॉलर लॉग्ड इन करना है, डॉलर लॉग्ड इन, और अभी मैं रिलोड करूँ इसको, तो देखो यहाँ पर होमो लॉग आउट आया, लॉग आउट किया, और यहाँ पर देखो फिर से प्रॉब्लम आ रही है, लॉग आउट किया तो लॉग इन डॉट पी एच पी में क्या कह रहा है ये, नैप डॉट पी एच पी अनडिफाइंड वेरिएबल लॉग्ड इन इन लाइन नंबर, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मैं रिलोड करता हूँ इसको, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ये वार्निंग क्या है देखता हूँ, लॉग्ड इन इन लाइन नंबर 17 और 25 पे ठीक कर दिया मैंने, 25 पे भी ठीक कर दिया है, डॉलर लॉग्ड इन। ओके, तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डॉलर लॉग्ड इन को फॉल्स करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स डॉलर लॉग्ड इन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो जानी चाहिए, देखो अब ठीक हो गई। लॉग इन साइन अप आ रहा है ऑप्शन, आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, साइन अप करो, लॉग इन करो, होम करो, लॉग इन एक बार कर लोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, लॉग आउट दिखाएगा, सिर्फ लॉग आउट करो, लॉग इन करो, लॉग आउट करो, साइन अप भी कर लेते हैं एक एडमिन एडमिन के नाम से। ओके, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एडमिन के नाम से बना लिया क्या मैंने, मैंने एडमिन के नाम से बनाया क्या ऑलरेडी, आई डोंट थिंक सो, हाँ बना लिया यार, एडमिन टू के नाम से बनाता हूँ, एडमिन टू के नाम से बनाया, लॉग इन करूँगा, एडमिन टू, पासवर्ड मैंने एडमिन ही रखा है, नेवर। तो यहाँ पर देखो मैंने होम लॉगआउट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लॉगआउट मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखो यूजिंग दिस लिंक लॉगआउट किया मैंने, साइन अप कर सकता हूँ, लॉग इन कर सकता हूँ, होम लॉग इन साइन अप, तो हमारा जो बेसिक लॉग इन सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे पासवर्ड्स को जो है यहाँ पर इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं इन प्लेन टेक्स्ट, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या हमें इंस्टेड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और ये करने का फ़ायदा क्या होगा अगर हम ऐसे करेंगे, इस तरह से पासवर्ड्स को अगर हम प्लेन टेक्स्ट में ना रखते हुए हैश पासवर्ड्स रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने माई सीक्वल आई नहीं बताया, आपने माई सीक्वल की बेसिक क्वेरीज नहीं बताई, जबकि मैंने ऑलरेडी बताई होती हैं। तो काइंडली आप लोग अगर इस तरह से मुझे कमेंट करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आप लोग इसलिए इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें, और मेरे लिए
मेरे लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, उससे प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है और वो और पुश करता है और वीडियो और आगे जाता है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा। और आप लोग अपने लिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, बुकमार्क करके रख लो, सेव भी कर लो इस प्लेलिस्ट को, ताकि आपकी अपनी हो जाए। डिस्क्रिप्शन से आपको सोर्स कोड चाहिए तो ले लो, वरना अगर सोर्स कोड अगर आप नहीं देखना चाहते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ मत देखो सोर्स कोड, आप लोग खुद टाइप करो सब चीज़ें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप रिविजन करना चाहते हो या फिर रेफरेंस है, तो उसके लिए मैं सोर्स कोड दे देता हूँ, वरना मैं देता ही नहीं सोर्स कोड। मैं इसलिए देता हूँ कि अगर आपको कल रिविजन करने आना पड़ गया यहाँ पर, तो आप लोग कहोगे कि यार डू वाइल लूप सैरी भाई ने बताया था, तो ज़रा कोड को देख लेता हूँ कैसे कोडिंग हुई थी, तो इसलिए मैं दे देता हूँ कोड। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।